Thankfully, rib में कोई fracture नहीं, बस हल्की सी swelling है, एक दो दिन rest करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक है। संजना मैडम आप एकदम से ठीक हो जाएंगी। First classic। अरे हमें तो बस कोई मिशन पे भेज दो, क्यों ठीक हो जाएंगे हम? एक्सक्यूज मी, ये इतनी सारे फूलों की क्यारियां किसने भेजी है? ये संजना मैम के लिए। अरे पर ये इतने फूल भेजे किसने? ये जरूर सिद्धार्थ का काम है। ओ, अरे इधर लाओ, अरे मैडम के पास रखो ना। संजना मैडम ये आपके लिए। संजू मोड़ी जे फूलों का बगीचा किसने भेजा तेरे लाने? अम्मा हम कोई अंतर्यामी है का? हमें का पता है किसने भेजो है? टडा! हेलो एवरीवन, यो व्हाट्स अप? नो फाइव टू स्लो, सॉरी वो पानी पर है। What? Flowers not okay? I wanted white lilies. Sit! मैं बताती हूँ flowers कैसे हैं। But no, I wanted white lilies, yaar. चिरकुट। मुबारक हो बद्रा साहब। आपका प्रोजेक्ट घर-घर में सोल्जर अच्छा चल रहा है। आपके हर कैडेट अच्छे कमांडो साबित हो रहे हैं। Thank you, sir. Thank you very much. सर आपने मुझे याद किया, कोई खास वजह? बद्र साहब देवलाली में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पर काफी असला बारूद आर्म्स अम्यूनिशंस टॉप सीक्रेट्स प्लान्स वगैरह रखे जाते हैं। जब भी जरूरत पड़ी तो इसे हम देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि आप और आपकी टीम उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सुरक्षा का मुआयना करें एंड मेक श्योर के वहां की सिक्योरिटी का इंतजाम पुख्ता हो। नो मिस्टेक्स, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ काफी सालों से है, तो अचानक इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे क्यों दी जा रही है? कोई खास वजह? सेठ, यू मैड और व्हाट? अब क्या हुआ? क्या किया मैंने? कुछ गलत किया? ऑब्वियसली ब्रो। क्या? संजना के मॉम डैड आए हुए, फ्लावर भेज के पीडे एंड ऑल करना जरूरी था? ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली आई थॉट सो। वो दे नॉट एज कूल एज अस राइट? टेरेस पे जल्दी आ जाओ। एक लड़की जब स्ट्रेस होती है तो पेड़ों को हक करती, पौधों से बातें करती, ये सब उसी के लिए। अब अभी से बातचीत करना शुरू करोगी तो दोस्त बन जाएंगे, कभी दोस्तों की कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा पर अब तो मेरा बॉयफ्रेंड है,
हाँ थोड़ा सड़ू सा है बट इट्स ओके। अब मुझे स्ट्रेस हुआ तो मैं उसे हक करके उससे बात कर सकती हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि कल हमें यहाँ से छुट्टी मिल सकती है। That's awesome. Thank you so much, doctor. ये दवाइयाँ ले आइए। Sure. मैं अभी लाता हूँ। After. कैसी है बेटा? ठीक है अम्मा। तू अकेली है तो सोचा कुछ बात कर लो, कर सकती हूँ? हाँ अम्मा बोलिए। बेटा घुमा फिरा के हम नहीं पूछेंगे, हम साफ पूछ रहे हैं, ये लड़का सिद्धार्थ तुझे पसंद है का? देख मौड़ी तू बहुत समझदार है, तू कोई भी गलत फैसला नहीं लेगी और तेरे हर फैसले में मैं और बापू तेरे साथ हैं। पर बेटा ये लड़का सिद्धार्थ, इसकी दुनिया इसका हिसाब किताब हमसे बिल्कुल अलग है। बड़े घर का लड़का है, नौकर चाकर आसपास घूमते होंगे, हम रत्नागिरी आम खाने वाले, वो शायद अल्फांजो आम खाता होगा। इन चीजों का रिश्तों में फर्क तो आ ही जाता है। अब जे तुझे सोचना है तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम समझ रहे हैं अम्मा आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर अम्मा रत्नागिरी हो या अल्फांजो है तो दोनों ही आम और दोनों की अपनी अलग जगह है अम्मा। पर मुद्दे की बात ये है कि सिद्धार्थ हमसे प्यार करता है, वो हमारी इज्जत करता है, हमारे सपनों की इज्जत करता है, हमें समझता है, वो हमारे लाने कुछ भी कर सकता है अम्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।